उसे अपनी इस खुशकिस्मती पे कोई खुशी नहीं। क्या हुआ नताशा, फिर से लड़ाई हुई है क्या? आप एक सेकेंड। हाय मिसेस ताकीर, कैसी हैं आप? अरे मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रही थी। नताशा क्या कह रही थी आंटी? मैं सही कह रही, अमान मंगे तोड़ना चाहता है। क्या, मगर क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बजाय इसके कि शादी की तैयारियां की जाती, यहां तो रिश्ता खत्म होने की बात हो रही है। नताशा आपको जरूर कोई गलत फहमी होगी, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझसे जरूर डिस्कस करता। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही अभी तक। नहीं बताया तो बता देगा। आप प्लीज उससे बात करें। मैंने सारी जिंदगी उसके नाम पे गुजारी है, ये क्या तरीका है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभी जब शादी की तैयारियां चल रही है तब वो कह रहा है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा सलूक तो कोई गैर भी नहीं करता आपके साथ, ये तो फिर अपना है। रोए मत, इतने प्यारे चेहरे पे, इतनी अच्छी आंखों पे आंसू अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज इजी हो जाएं। तो मेरी जिंदगी में रोना ही नहीं। मैंने अमार से हटके कभी सोचा ही नहीं है उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आई कॉन्ट सर्वाइव विदाउट हिम। ये क्या कह रही है आंटी? उसके तो ना अपने खाने पीने की होश है ना सोने जागने, बहुत परेशान, बहुत अपसेट। बस बेटा बस, यूर अ ब्रेव गर्ल। आप फिक्र ना करें, मैं अमार से पूछता हूँ। इतना बेवकूफ लड़का है, आप दोनों को इतना परेशान करके रखा हुआ है। नताशा आपको जरूर कोई गलत फहमी होगी, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझसे जरूर डिस्कस करता। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही अभी तक। नहीं बताया तो बता देगा। आप प्लीज उससे बात करें। मैंने सारी जिंदगी उसके नाम पे गुजारी है, ये क्या तरीका है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभी जब शादी की तैयारियां चल रही है तब वो कह रहा है कि वो उसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा सलूक तो कोई गैर भी नहीं करता आपके साथ, ये तो फिर अपना है। उस्ताद जी, सुल्तान हमेशा औफत की तरह क्यों आता है यार तू? क्योंकि मैं ग्रीन हूं।